अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। ये मेरे पास एक सेल है, लिथियम आयन सेल। ये मार्केट में 100 रुपये का मिलता है। तो आज मैं इसकी कैपेसिटी टेस्ट करूँगा कि इसकी जो कैपेसिटी इस पर लिखी हुई है 2000 mAh, ये 2000 mAh का है भी या नहीं। क्योंकि मेरे पास एक सेम कैपेसिटी का सेल है 2000 mAh का। ये मैंने एक बैटरी से निकाला था, ओवरबोर्ड की बैटरी से। तो मैं आपको इसके वेट का कंपेरिजन दिखा देता हूँ इन दोनों सेलों का। इन दोनों पे ही जो है वो 2000 mAh लिखा हुआ है। ये हमारा वेट स्केल है, इससे पहले मैं आपको इसका वेट दिखा देता हूँ। 44 ग्राम इसका वेट आ रहा है। अब मैं आपको दूसरे सेल का वेट दिखा देता हूँ। जो ये तो इस वाले सेल का वेट था, जो होवरबोर्ड की बैटरी का सेल था। अब मैं आपको जो हमारा सेल हमने जो मार्केट से परचेज़ किया है 100 रुपये का, इसका मैं आपको वेट दिखा देता हूँ कि कितना वेट है। 35 ग्राम वेट में तो तकरीबन 10 ग्राम का फ़र्क है इन दोनों सेलों में। तो हम चेक कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी भी, की कैपेसिटी में कितना फ़र्क है। क्योंकि वो सेल जो है वो तो पूरा 2000 mAh का है। जो हमारा ये न्यू सेल है, इसका हमें इसकी बैटरी कैपेसिटी चेक करनी है। तो हम अपना जो टेस्टर है उसको सेट कर लेते हैं पहले। ये हम इसके जो वोल्टेज 4.2 सेट हुए हैं, ये लो वोल्टेज कट ऑफ जो है ये भी हम इसका सेट कर लेते हैं। इसका लो वोल्टेज कट ऑफ जो होता है वो 2.7 होता है। तो हम इसको 2.7 पे कनेक्ट कर लेते हैं सेट। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसकी जो सेटिंग है ना, क्योंकि ये इसमें सिंगल बटन ऑपरेशन है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। ये हमारा जो टेस्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये हमारा सेल है जो हमने टेस्ट करना है। तो जो हमारा ये सेल है, इस सेल को मैंने फुली चार्ज कर लिया है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये 4.2 वोल्ट पे फुल चार्ज हुआ हुआ है, और तकरीबन चार्ज हुए हुए इसको घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये 4.2 वोल्ट दिखा रहा है पूरे, मतलब ये सेल जो है ये फुल चार्ज हुआ हुआ है। तो मैं आपको इसकी कैपेसिटी चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये मैंने लोड कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ये एक बल्ब है 12 वोल्ट का, इसको मैंने सीरीज़ में लगाया है। इसमें दो एलिमेंट होते हैं जो सीरीज़ में है अभी, और ये हमारी बैटरी है सेल जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इसका जो ये लोड है तकरीबन, इसके लिए ये बनेगा 0.15 C का ये लोड बनेगा इस बल्ब के लिए, ये इस बैटरी के लिए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि 260 mA का करंट जो है ना वो कंज्यूम हो रहा है इस बल्ब से, जो तकरीबन बनता है सेल का 0.15 C रेटिंग जो होती है उसके हिसाब से तकरीबन ये इसका बनता है 15% लोड बनता है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। इसको मैं रन कर देता हूँ लोड को। ये हमारा टेस्ट जो था सेल का वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारी सेल की कैपेसिटी लिखी हुई थी इस पर 2000 mAh, जो कि एक्चुअल में 1.36 AH थी। अगर इसको हम mAh में कन्वर्ट करें तो ये 1360 mAh बनेंगे। और इस पर जो एनर्जी स्टोरेज लिखी हुई थी 7.4 Wh, इस पर जो एक्चुअल है वो है 4 Wh। इस टेस्ट को कंप्लीट होने में तकरीबन 6 घंटे लगे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।